अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अस्सलाम मलिक। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि दराज पे हम अपना ऑनलाइन अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दराज पे हम अपना सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैं यहाँ से गूगल पे आता हूँ। गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ से दराज सेलर अकाउंट प्रेस करता हूँ। दराज सेलर अकाउंट जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे मुख्य ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे है दराज डॉट पी के दराज सेलर अकाउंट। तो आपने यहाँ पे सिंपली एक ऑप्शन लिखा हुआ है सेलर सेंटर डॉट दराज डॉट पी के जो पाकिस्तान है। तो सिंपली आपने क्लिक करना है दराज सेलर सेंटर पे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसके बाद हमें एक इस तरह का प्रीव्यू शो होगा। स्टाइलिंग में सिंपल, सबसे पहले ये जो ऑप्शन हमें शो हो रहे हैं चार, दराज माल सेलर, लोकल सेलर, ग्लोबल सेलर और डिजिटल सहूलत। दराज माल सहूलत में वो अकाउंट के जो एफिलिएटेड हैं दराज डॉट पी के से, कि अगर आपका कोई मॉल वगैरह है तो आप उस तरीके से कैसे सेलिंग दराज अकाउंट पे कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ से साइन अप पे क्लिक करेंगे और आप दराज माल सेलर बन जाएंगे। इसके अलावा लोकल सेलर, साइन अप एज ए लोकल सेलर और ग्लोबल सेलर में ये होता है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आप जहाँ भी कोई सेलिंग वगैरह करना चाहते हैं एज ए दराज सेलर, तो आपको सिंपली ऑथेंटिकेशन लेटर पहले बनवाना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास इंडियन रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप ग्लोबल सेलर बन सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल सहूलत जैसा कि QR कोड वगैरह, इस तरह के आप सेलर बन सकते हैं। तो सिंपली मैं आप दोस्तों को जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आप लोकल सेलर पाकिस्तान में ही रह के अपनी प्रोडक्ट सेल करें। तो सिंपली मैं यहाँ से जैसे ही आऊँगा साइन अप एज ए लोकल सेलर, यहाँ पे आपको ये भी चॉइसेस दिए गए हैं, यू आर बेस्ड लोकली, एक्सेस टू मल्टीपल सेलर टूल फॉर योर स्टोर और पे कमीशन ओनली व्हेन यू सेल, कि आप जब भी आप सेल करेंगे तो आपको उसका कमीशन भी दिया जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ से करता हूँ साइन अप एज ए लोकल सेलर। उसके बाद जैसे मैंने साइन अप एज ए लोकल सेलर किया तो हमने यहाँ पे एक नया प्रीव्यू शो हो रहा है जिसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है साइन अप, अकाउंट टाइप इंडिविजुअल या बिजनेस। जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमें एक ये ऑप्शन ये प्रीव्यू शो हो रहा है। और इस चीज़ का मतलब ये है कि हमारे लिए जो बेसिकली बेस्ट है, अगर हमारा बिजनेस है तो वो हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमसे पूछी जाएंगी। सिंपली मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद शॉप बेस्ड इन, ये भी ऑटोमेटिक पाकिस्तान शो हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से अपना मोबाइल नंबर देंगे, जो भी आपका नंबर है। इसके अलावा स्लाइड टू वेरीफाई, ये जो हमें ऑप्शन तीर पर शो हो रहा है तो हम यहाँ से इस साइड पे तो स्लाइड करके लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने टिक करना है और उसके बाद आपने साइन अप कर लेना है। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट प्रीव्यू शो होगा वो इस तरह का प्रीव्यू शो होगा, साइन अप रियल बिजनेस ये हो गया। इसके अलावा आपको कोड एक सेंड करेंगे, उसके बाद आपने सेंड टू वेरीफाई करना है। उसके बाद ये पासवर्ड आपका 800 करेगा, इसमें आपको एक लेटर कैपिटल लेटर लिखना है। उसके बाद एक आपको स्मॉल लेटर लिखना है, एक कैपिटल हो, इसके बाद एक सैम्पल हो, फर्ज के कॉमा फुल स्टॉप कोई भी आप एक सैम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल लेटर आप लिख सकते हैं, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स पर आपका पासवर्ड मुश्तमिल होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद अपना शॉप का नेम कोई भी होना चाहिए, शॉप का नेम ऐसा होना चाहिए यूनिक के वो नाम किसी और का ना हो। उसके बाद आप आई हैव अ रेफरल कोड, इसे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप दोस्तों को इस तरह का एक प्रीव्यू शो हो जाएगा, वेलकम टू सेलर सेंटर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली वो ईमेल जो आपने यहाँ पे ईमेल दिया, जो आपने यहाँ पे ये जो पासवर्ड दिया हुआ है, ये जो आपने पासवर्ड यहाँ पे सेट किया है, आपने सिंपली यहाँ पे ईमेल, उसके बाद आपने पासवर्ड, उसके बाद आपने साइन इन कर दिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद आपको एक इस तरह का न्यू प्रीव्यू शो हो जाएगा दराज सेलर सेंटर के नाम से। तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं, स्टार्ट टू सेल, वेलकम, कंप्लीट यूर टू डू लिस्ट, मैनेज एड्रेस बुक,
वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक इंफॉर्मेशन, ऑर्डर पैकेज इन्फो, अपलोड योर एसकेयू। सिंपली जैसे ही मैं यहाँ पे ये पांच ऑप्शन हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा सैलर अकाउंट ओके होगा, वरना अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपली मैं यहाँ से करता हूँ मैनेज एड्रेस बुक, तो मैं यहाँ पे मैनेज एड्रेस बुक पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में इस तरह का प्रीव्यू शो हो जाएगा। एड्रेस हम अपने मुतलका शॉप या अपने घर वगैरह का मुतलका एड्रेस दे सकते हैं, या हमारा कोई बिजनेस शॉप कहीं भी, मतलब कि जहाँ पे हमारा जो सर्विसेज, मतलब कि जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, जिन्हें हमने स्टॉक किया हुआ या जो हम बेचना चाहते हैं, उनका हम एड्रेस लिखेंगे। इसके अलावा कंट्री पाकिस्तान है, इसके अलावा स्टेट जो आपका सूबा है, इसके अलावा एरिया कि आप किस शहर से हैं। उसके बाद आप अपने शॉप की या अपने घर की, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, वहाँ की आपने लोकेशन देनी है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस सेम एज वेयर हाउस एड्रेस, जैसा कि आपने ऊपर लिखा यहाँ भी सेम होनी चाहिए, रिटर्न एड्रेस यहाँ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा जो नेक्स्ट होगा, तो जैसे ही यहाँ से ओके करूँगा, यहाँ पे कोने पे एक ऑप्शन होगा सेव का, तो सेव में जैसे क्लिक करूँगा हम इस तरह का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, योर एड्रेस बुक हैज बीन सबमिटेड, सबमिट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे गो बैक डैशबोर्ड, मतलब कि हम बैक साइड पे भी जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमें इस तरह का एक प्रीव्यू शो हो जाएगा। तो इससे हम आईडी वेरीफाई आईडी इंफॉर्मेशन आईडी टाइप CNIC, यहाँ पे आपने CNIC पे क्लिक करना। उसके बाद फास्ट एंड लास्ट नेम, जो आपका CNIC पे जो आपका मुकम्मल नाम है आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर देना है। उसके बाद अपलोड आईडी फ्रंट साइड, यहाँ पे अपलोड आईडी बैक साइड, क्या अपने आपने CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और यहाँ पे बैक साइड अपलोड करनी है। तो यहाँ पे जो बैक ऑप्शन है इसके साथ ही सबमिट का ऑप्शन है, तो जैसे मैं सबमिट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ हमें इस तरह का एक न्यू प्रीव्यू शो हो जाएगा, योर पर्सनल आईडी हैज बीन वेरीफाइड। सो मैं यहाँ से करता हूँ फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द बैंक, फिल इन बैंक इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें इस तरह का ये प्रीव्यू शो होगा। अकाउंट टाइटल, यहाँ पे अकाउंट टाइटल मीन्स कि आपके अकाउंट का जो नेम है, अपने आपका CNIC पे जो नेम है वो आपका अकाउंट टाइटल होगा। इसके अलावा IBAN, आपका अकाउंट नंबर और आपका IBAN सेम ही होगा। आप अपने चेकबुक पे देख सकते हैं, आपके लेफ्ट कॉर्नर पे आई थिंक 16 नंबरों का कोड होगा, और उसके बाद आपको थोड़ी सी इंग्लिश लिखी होगी इस तरह की PK. 4 नंबरों की इंग्लिश होगी, उसके बाद आपको इस तरह का कोई कोड दिया होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अकाउंट नंबर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद बैंक नेम, कि आपकी जो मुतलका बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट बना है, उसके अलावा उस बैंक की ब्रांच का कोड देंगे। उसके बाद अपलोड चेक कॉपी, आपने अपने चेक की एक फ़ोटो बना के वो भी यहाँ पे अपलोड करने, तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन शो हो जाएगा ऑर्डर पैकेज। जैसे मैं ऑर्डर पैकेज इन पर क्लिक करता हूँ तो हमें जैसे मैं ऑर्डर पैकेज इनको पे क्लिक करता हूँ तो हमें 4-5 फोटोज शो हो जाएंगी, जबकि मैं यहाँ पे आप शो नहीं करा सकती। तो जैसे आप उसे भी आप सबमिट करेंगे आपको एक न्यू ऑप्शन शो कर देगा। तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देना, अपलोड यूर SKU। ये एक लंबा प्रोसेस के हम जो अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जो हम अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट लगाएंगे, तो उसके हवाले से हमें दराज की तरफ से एक SKU कोड मिलेगा और हम उसको SKU यहाँ से फिल करेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को दराज सेलर सेंटर पे ओके कर सकते हैं, मतलब किस तरह हम उसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। और उसी में मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि अपलोड यूर SKU कैसे हमने इसको अपलोड करना है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।